बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी लेंगे हम हाफ कप। पानी को हमने थोड़ा गर्म कर लिया था। चीनी शामिल करेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईस्ट शामिल करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ईस्ट हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, इसमें ईस्ट शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा शामिल करेंगे हम इसमें 2 कप, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखिए डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। थोड़ा सारा ऑयल लगाएंगे हम डो पे। अब इसे हम 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। तो जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम चिकन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, अदरक लेंगे हम 1 टीस्पून, लहसुन लेंगे हम 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, चिकन लेंगे हम 1 कप, सिरका लिया है हमने 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और चिकन शामिल कर देंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम हीट पे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। Thank you.
तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। तो पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे हम। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टमाटो पेस्ट लेंगे हम 1 कप, लहसुन लेंगे हम 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। और स्पाइसेस ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। तो ये देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से ठीक हो चुका है। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं जो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। डो के हम 2 हिस्से कर लेंगे और इसके हम 2 पिज़्ज़े रेडी करेंगे। मैदे का छिड़काव करेंगे हम इसके ऊपर और हाथों की मदद से हम इसकी अच्छे से शेप दे देंगे। तो सबसे पहले पैन को हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और फिर हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इस पर डो रखेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पका लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, एक साइड हमारी अच्छे से पक चुकी है। ऑयल लगाएंगे हम। दो से तीन मिनट तक हम दूसरी साइड को भी पकाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगाएंगे। आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आपकी डो नीचे से जल जाएगी या सख्त हो जाएगी। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। चिकन ऐड करेंगे और चीज़ ऐड करेंगे। शिमला मिर्च रखेंगे। प्याज के स्लाइसेस ऐड करेंगे थोड़े से। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है। पिज्जे को हम पैन में रखेंगे और इसे 20 से 25 मिनट हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। पैन के नीचे आप तवा भी रख सकते हैं, उससे आपकी जो डो है वो सख्त नहीं होगी। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से पक चुका है। तो क्या है हमारा बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाक आपको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।